क्या कहना चाहते हैं आपने पेड़ लगाए टैगोर पार्क में? मैं पीपी सिंह, टूर रोटरी गवर्नर। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त बरेली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो इस बार आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम हम लोगों को दिया है, तो हम ये आशा करते हैं कि हर व्यक्ति बरेली का, हर वासी बरेली का अपने घर पर तिरंगा ज़रूर लगाएगा। और इसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, रोटरी क्लब बरेली नॉर्थ, इनरवील, न्यू नॉर्थ और टैगोर पार्क रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें माननीय मंत्री जी डॉक्टर अरुण कुमार, वन एवं पर्यावरण मंत्री ने यहाँ पर शिरकत की और उनकी सानिध्य में हम लोगों ने यहाँ पर एक, उन्होंने अपने हाथों से चंपा के वृक्ष का रोपण किया। इसी के साथ साथ आज ये शुभारंभ भी रोटरी नॉर्थ ने किया आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, कि बरेली के प्रत्येक वार्ड में जाकर के हम पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करेंगे और हर जगह जाकर के पेड़ों को लगाने की बात करेंगे, एक मुहिम छेड़ेंगे। और उन्होंने हर घर पे तिरंगा लगाने के अभियान की भी यहाँ पर टैगोर पार्क में शुरुआत की। सभी निवासी यहाँ पर एकत्र थे, सभी को तिरंगे का वितरण किया गया और तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति हुई। सर, बरेली की क्या संदेश आपको? बरेली के लिए मेरा यही संदेश है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, तो सभी निवासी अपने घर पर तिरंगा ज़रूर लगाएं। तिरंगा फहराना हम लोगों के लिए एक शान की बात है, हमारे देश के लिए शान की बात है कि हमारा तिरंगा हर घर में लहराए। और इसी के साथ साथ मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग पर्यावरण के प्रति सतर्क रहें। हमने जो ये पार्क में देखे, पेड़ों पर तिरंगा का ये कलर बनवाया है, लगभग 40 वृक्षों पे हमने ये तिरंगे का कलर इस टैगोर पार्क के अंतर्गत बनवाया है, और ये इसी बात की प्रेरणा देता है कि हम लोगों के अंदर देश प्रेस की प्रेम की भावना अच्छी होनी चाहिए। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और वृक्षारोपण निश्चित रूप से करें, और ख़ास तौर से जब अपना जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी आए तो प्रत्येक जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी पर एक वृक्ष का रोपण जरूर करें। सर, ये बताइए, ये पहली बार हुआ है पार्क में? ये जो हमने तिरंगा बनवाया है पेड़ों पर, ये कार्यक्रम पहली बार किया गया है। श्रृंगार किया है पेड़ों। कितने पौधे बोए भी है और देश के प्रति हमारा, ये कितने पेड़ लगाए? कितने पेड़ों यहाँ पर? पेड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने 40 पेड़ों पर ये तिरंगा बनवाया है।